जय हिंद साथियों। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 5 साल से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई। साथियों, 5 साल से हम लोग अपनी तैयारी को कर रहे हैं, 5 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं। जब से 2000 DLED कम्प्लीट किए हैं, यानी 2018-19 से कोई भर्ती प्रक्रिया अभी तक चालू नहीं हुई है। साथियों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि जब 2018 में जब भर्ती आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, तो उसमें साथियों अचानक आया था, दो से ढाई मंथ का समय मिला और उसी में एग्जाम करा के नियुक्ति करा ली गई। साथियों, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि सरकार शिक्षक भर्ती जरूर देगी और जल्द से जल्द देगी, और अचानक उसका नोटिफिकेशन आएगा और 2 से ढाई मंथ में उसका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो साथियों, आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। जो भी सुपर टेट का सिलेबस है, इस सिलेबस को आप लोग कवर करें, सभी टॉपिक को आप लोग तैयार कर लें। जो भी वीक पॉइंट है, जो भी कमज़ोर टॉपिक है आप लोगों का, कमज़ोर विषय है, उस विषय को आप लोग तैयार कर लें और सुपर टेट में आप लोग अच्छा स्कोर करें, ताकि आप लोगों को एक बेहतर भविष्य बनाने का मौका मिले। साथियों, जैसा कि बीएड वाले सुपर टेट यानी प्राइमरी टीचर से बाहर हो गए, तो साथियों बीटीसी यानी डीएलएड वालों को बेहतर मौका मिल गया है। अगर इस भर्ती में आप लोग नहीं एक सीट अपना सुनिश्चित करेंगे, तो आप लोगों का समय बहुत नुकसान होगा। अब पता नहीं कितने वर्ष बाद भर्ती आएगी, नहीं आएगी, कुछ भी अता पता नहीं है। एक तो 5 वर्ष बाद आती है, वो भी पता उसका कुछ चलता नहीं है। तो साथियों, आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। प्रयागराज के सिविल लाइन गिरजाघर पत्थरगढ़ में जो धरना चल रहा है, उस धरने में भी आप लोग शामिल हों, ताकि सरकार तक अपनी बातों को मजबूती से उठाया जा सके। शिक्षक भर्ती जरूर आएगी साथियों, 2 से 3 मंथ 4 मंथ के अंदर शिक्षक भर्ती जरूर आएगी। आप लोग अपनी तैयारी को भी अच्छे से करते रहें। जो भी सिलेबस है सुपर टेट का, उस सिलेबस को आप लोग अच्छे से कवर कर लें। और साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपना सुझाव, अपना विचार दे सरकार की मंशा के ऊपर प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित। और साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करिए। तो साथियों, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।